प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर किसानों की आवाज को उठाया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सामाजिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री आलोक शाके ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील भोगांव में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं सोबरन सिंह यादव ने तहसील करहल में, तो वहीं किशनी में ब्रिजेश कठोरिया ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं तहसील मैनपुरी में पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी, जिसके चलते समाजवादियों ने जिला कार्यालय पर सरकार की नीतियों का बखान करते हुए जमकर विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश में कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली पर पट्टिका लगाकर कड़ा विरोध जताते हुए नजर आए। वहीं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, लाचार कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने सरकार का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अब समाजवादी पार्टी विरोध में उतर आई है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री आलोक शाके ने कहा कि बीजेपी सरकार धोखेबाज सरकार है। प्रदेश में शिक्षा सुरक्षा की नीति के चलते ना तो महिलाएं सुरक्षित है और ना ही शिक्षा सुचारू रूप से ठीक है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आज जो तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया, किसको लेकर किया गया, क्या मांगे रही हैं, क्या? ये पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में प्रत तहसील पर, मुख्यालय पर और पूरे विधानसभा में तहसीलों पर हो रहा है समाजवादी झंडा विरोधी नीति, छात्र विरोधी नीति, महिला सुरक्षा नीति, शिक्षा नीति, भारतीय जनता पार्टी जैसे बर्बाद करके रख दिया है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। ये खोखली सरकार है, खोखले वादों वाली ये सरकार है, नौजवान परेशान है और जो संविधान का इन्होंने कानून बनाया है वो आम जनमानस के लिए खतरनाक कानून है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी सबसे पहले ये संविधान वाला कानून जो 5 वर्ष वाला रखा है कि प्रतिपक्ष इसके एग्जाम होंगे उसके आधार पर संविधान में नियुक्तियाँ होंगी, इस काले कानून को सरकार बनने पर खत्म किया जाएगा। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, आपने देखा बस एक हफ्ते से लखनऊ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, हर जगह हमारी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं बहुत डरी और सही हुई है और पुलिस के दम पर वो हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दबाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जनता की भावनाओं को लेकर आएगी और लगातार हम लोग दर्शन करेंगे और कहीं किसी धरने वाली समाजवादी पार्टी। इस धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है सांसद जी? आप जैसे कार्यालय पे इतना छावनी उसको बदल दिया, जो भी है कार्यालय के अंदर क्लब है, तो स्थानीय इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या करना क्या चाहते हैं? और भी जगह प्रदर्शन हो रहा है, इटावा में प्रदर्शन हो रहा है, कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई जो आज मैनपुरी में की गई। क्या मकसद है? और धरने प्रदर्शन पहले भी हुए और सरकारों में भी हुए, हम लोग जाते थे तहसील तक, हर जगह धरना होता था, आगे कर ले। कहीं ना कहीं सरकार को डर है, इनको लग रहा है कि हम अगर धरा के धमका के या पुलिस के दम पर आवाज़ को दबा लेंगे, लेकिन कहीं दबने वाली समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है और कितना भी प्रयास प्रशासन कर ले समाजवादी पार्टी लगातार और मजबूती के साथ। अभी आप क्या जो ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अभी जिलाधिकारी महोदय से हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं और तमाम जो समस्याएं क्षेत्र की हैं माननीय विधायक जी उन समस्याओं को रखें, वो अगर समस्याओं को निस्तारण नहीं होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? एक कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके 5 लोगों को परमिशन मिली, 5 लोगों को देखे जाएंगे तो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना भी आज के समय में जरूरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कोविड प्रोटोकॉल की ढाल बनाकर प्रशासन जो है कई काम लगातार कर रहा है, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया। सर कल बहुमत की सरकार होने के बावजूद जहां विपक्ष के सांसद इस बात की मांग कर रहे थे कि डिबेट कराई जाए और डिबेट के बाद जो नियम है कि वोटिंग कराई जाए, लेकिन सरकार ने वोटिंग न करा के ध्वनि मत के माध्यम से इतना महत्वपूर्ण बिल और जन विरोधी बिल को पास कराने का काम किया, यहां तक कि सांसदों के माइक बंद किए गए,
राज्यसभा का लाइव फीड जो था उसको काटा गया और मार्शल जो होते हैं उनके माध्यम से सांसदों को बाहर कराने का प्रयास भी किया। ये संसद के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर देखा जाएगा और मैं समझता हूँ बहुत खराब परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या लगता है ये सरकार जो ना आवाज़ दबाने के मूड में? सरकार आवाज़ दबाने का भरपूर प्रयास कर ली लेकिन अब आवाज़ जो है दबने वाली नहीं है। लोग मन बना चुके हैं भाजपा को सत्ता सुखार फेंकने का और अभी हम लोग करीमगंज जाएंगे। करीमगंज में लगभग 14 लोगों की मृत्यु कोविड से और डेंगू हुई है और प्रशासन कहीं कोई इस बात को अभी तक हमने डेटा जब मांगा तो कहीं कोई डेटा नहीं दिया जा रहा कितने लोगों की मृत्यु हुई या कितने लोग उससे प्रभावित हैं। और जहां जनता के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयास करना चाहिए प्रशासन को। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.